السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. रमजानों में एक सवाल आप लोगों से पूछा था मैंने, वो मेरी बैटरी लो हो गई थी तो इस वजह से वो रह गया था। तो आपने ये कहा था किसी के अंदर अगर लड़कियों वाली फीलिंग है तो उसे किस तरीके से मतलब मुआशरे में रहना चाहिए, ये बताइए। देखिए, अगर किसी के अंदर लड़कियों वाली फीलिंग है तो ये एक बीमारी है, ये असल नहीं है। जैसे हमको अगर बुखार हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैदा हुआ हूं बुखार लेकर के। मैं बुखार लेकर के पैदा नहीं हुआ हूं, वो मुझे बीमारी लाहिक हुई है, उस बीमारी का मुझे इलाज कराना चाहिए। पहली बात तो दुआ करना चाहिए और उसके जो असबाब हैं वो इख्तियार करने चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं पैदा हुआ हूं मर्द और मेरे अंदर औरतों वाली फीलिंग है तो ये एक बीमारी है जिसका इलाज उसे करना चाहिए दुआ के जरिया से और दूसरे जितने भी असबाब उसके पास हो उनके जरिया। और उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो फीलिंग है ये ओरिजिनल मेरे अंदर, ये बीमारी है। नहीं, वो बात तो सही है, ये बीमारी है, लेकिन ये बताइए उसके लिए अहकाम क्या होंगे। उसके अहकाम यही हैं कि अगर आप मर्द पैदा हुए हैं तो मर्दों वाले अहकाम आप पर फिट किए जाएंगे। ऐसा नहीं, बाज लोग जैसे इसी बात को हुज्जत बना करके वो जाकर के ऑपरेशन ट्रांसजेंडर का ऑपरेशन करवा लेते हैं और कहते हैं कि मैं जो है मेरे अंदर औरतों वाली फीलिंग थी इसलिए मैंने ऐसा करवा लिया। ये बकवास है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये एक बीमारी है, जिस तरह दुनिया के अंदर लाखों बीमारियां हैं, ये एक बीमारी है, उस बीमारी का आप इलाज करवाइए। बहुत सारे लोगों को जिंसी बीमारी हो जाती है ना, तो क्या हम कहेंगे कि वो आदमी अपने नेचर पर है? नेचर पर नहीं है, वो नेचर से हटा हुआ है, वो उसका इलाज करवाए। मतलब जैसे वो किसी दोस्त है उसका या वो है तो वो उससे बातचीत कर सकता है या नहीं, या बिल्कुल ही उससे दूर रखा जाएगा? जरूरत पड़ेगी तो बात करने की इजाजत है। आप एक लाइन में इस मसले को ऐसे समझें कि अगर वो मर्द पैदा हुआ है तो जितने भी मर्दों वाले अहकाम हैं वो सारे अहकाम उस पर मुरतब होंगे, सारे अहकाम मर्दों वाले होंगे उस पर। उसे जैसे अजनबी मर्द औरतों के साथ खलवत में नहीं जाना है, जितने भी मर्दों के अहकाम हैं सारे अहकाम उस पर मर्दों वाले होंगे। अब अपने जो मर्द दोस्त हैं उनसे वो बात करेगा। ठीक है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर किसी ने निकाह कर लिया है और वो एक साथ नहीं रहते, वो अपने मायके में रहती है, वो अपने घर रहता है, फोन के जरिए कभी कभी बुला लिया जाता है जिस्मानी ताल्लुक कायम करने के लिए, तो ये तरीका कहाँ तक सही है? ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर शादी हुई है तो दोनों को साथ में रहना चाहिए। शादी का जो मकसद होता है वो मियां बीवी का एक साथ में उल्फत मवद्दत और मोहब्बत के साथ रहना होता है। अगर ये चीज उनके दरमियान नहीं है किसी गलत फहमी की वजह से तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर उनका मसला हल ना हो तो शरीयत ने उसका हल बताया है। जब आप वैसे ही दूर दूर रह रहे हैं तो हमेशा के लिए दूर हो जाइए, या तो उसको खत्म कीजिए या तो हमेशा के लिए दूर हो जाइए। जी, निकाह उन्होंने इसलिए कराया सिर्फ इसी काम के लिए, तो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने इसी काम के लिए निकाह कर लिया कि कभी फोन पे बुलाए घर आए? अब ये दूसरा सवाल है आपका, इसलिए सवाल बहुत क्लियर करना चाहिए। देखिए, आपके पहले सवाल से ये अंदाजा होता था कि उन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ या कोई झगड़ा है जिसकी वजह से दोनों दूर दूर रहते हैं। अब ये जो सवाल है आपका कि ये इख्तलाफ या झगड़े की वजह से नहीं है बल्कि दोनों के दरमियान एग्रीमेंट है। अगर दोनों के दरमियान ऐसा मुआहदा है कि हम हमेशा एक घर में नहीं रहेंगे और हम मसलन हफ्ते में मिलेंगे या इतने दिन में हम एक बार मिलेंगे दो बार मिलेंगे, ऐसा दोनों के दरमियान अगर कोई मुआहदा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन निकाह हुआ है जी? हाँ, निकाह जाहिर है, निकाह होना चाहिए, प्रॉपर निकाह होना चाहिए तब। और भाई ऐसा तो बहुत होता है, आदमी कहीं नौकरी करता है, हफ्ते में एक दिन घर आता है या महीने में एक दो दिन चार दिन के लिए घर आता है, पूरा महीना वो
बाहर रहता है नौकरी के लिए तिजारत के लिए। जी सदा भाई आप अनम्यूट हैं, म्यूट हैं आप, अनम्यूट करें अपने आप। ठीक है, जजाक। एक चीज और, एक बात यहाँ पर और सुन लें ताकि जो है किसी को गलत फहमी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों ने जो निकाह किया हुआ है ये खुफिया निकाह है, छुप करके निकाह किया है? जी जी सदा, अगर ये खुफिया निकाह है तो नहीं जायज है, खुफिया नहीं होना चाहिए। निकाह जिस तरह से होता है अलल ऐलान लोगों के सामने उसके अरकान और शुरूत के साथ, अगर ऐसा निकाह हुआ है और उन दोनों के दरमियान ये मुआहदा है कि हफ्ते में एक बार मिलेंगे या महीने में एक दो बार मिलेंगे, तो कोई हरज की बात नहीं है। बस वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुफिया हो और उन दोनों ने एक हीला निकाल रखा हो अपने ताल्लुक को जायज बनाने के लिए। तो खुफिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह सिर से मना फरमाया, खुफिया निकाह नहीं होना चाहिए। और हदीस भी है कि निकाह को ऐलान किया जाए, आलिनु बिन निकाह वद्रिबु अलैहि बिद्दुफ। जी जी सदा भाई, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, आप कंफर्म करें प्लीज। शेख ने आपसे जो सवाल किया है आप उस सवाल का जवाब देंगे प्लीज? कोई बात नहीं, जो दूसरे नाजरीन हैं उन तक ये बात पहुंच गई, बात पहुंच चुकी है, बात आपकी वाजे है शेख। जजाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।